हाय हेलो नमस्कार गाइस, आज मैं खड़ा हूँ ओल्पन विलेज में। आज मैं आप सभी को एक ऐसा जगह एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा जो कि रीमा नदी के ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज है। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, बहुत कम लोग जानते हैं उस ब्रिज को और बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है वो। तो मेरे साथ इसी तरह वीडियो पर बने रही है, तो मैं आप सभी को दिखाऊँगा ओल्पन विलेज का कुछ व्यू और साथ ही साथ रीमा नदी के ऊपर जो हैंगिंग ब्रिज जो बना हुआ है, तो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। तो मैं आज एक्सप्लोर करके आप सभी को दिखाऊंगा। आज ठीक मैं ओल्पन विलेज का जो फील्ड है, जहाँ पे फुटबॉल फील्ड है, ठीक उसी के पास से ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो पे बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि औसम वीडियो आप सभी को मिलता रहे। तो इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहिए आप सभी। थोड़ी दूर चलने के बाद हम सभी को मिला रास्ते में एक बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब अच्छी खबर है कि मियाओ सर्कल में एक नंबाई का ओल्पन, नंबाई वन का ओल्पन विलेज में बहुत ही खूबसूरत सा पॉलिटेक्निक ये कॉलेज खुल रहा है। तो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट है ये। तो अगर आपको कोई मतलब टेक्निकल लाइन में कोई मतलब इंटरेस्टेड है, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक बहुत ही बड़ा है। ये बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है, उस साइड से मैं आप सभी को नहीं दिखाया हूँ, उस साइड थोड़ा जंगल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं, ऐसा पूरा चारों ओर से ये घिरा हुआ है। बहुत ही बड़ा यहाँ पे सब कुछ होगा, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब कुछ होगा। तो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कि टेक्निकल लाइन में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही यहाँ पे बहुत ही ये फैसिलिटी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे खोल के बहुत ही अच्छा हो गया है ये मेयो सर्कल के लोगों के लिए। तो गाइस इसी तरह वीडियो पे बने रहिए, तो हम लोग जाते हैं आगे और कितना दूर है पता करके देखते हैं। तो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रोड है। आप पीछे जैसे कि देख सकते हैं पीछे पूरा ढलान है और ऊपर से हम लोग जैसे तैसे बाइक चला के आए हैं। ये है मेरा फ्रेंड भूषण जो कि मेरे साथ आए हुए हैं। तो ये नहीं होता तो मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं आ पाता, तो इसी के साथ मैं आया हूँ, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड ही है। तो आप लोगों को और भी दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्लिप में ये रोड को दिखाता हूँ कितना एडवेंचरस है। तब तक आप लोग वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए। देखिए गाइस रोड बहुत ही डेंजरस रोड है, बाइक हम लोग आगे ही रख चुके हैं, यहाँ तक बाइक लाना मुमकिन नहीं था तो बाइक को आगे खड़ा करके हम लोग आए हैं यहाँ तक। तो इस वीडियो में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, फ्रेंड वही होता है गाइस जो कि एकदम आपका जो चापलूसी करे वो रियल फ्रेंड नहीं होता है, जो आपका तारीफ करते रहे गलतियों में आपका चापलूसी करके आपको ऑफ कर दिया जाए उसे ट्रू फ्रेंड नहीं कहते हैं। जो फ्रेंड आपका आपको उनका बात सुन के कड़वा लगे, आपको थोड़ा सा दिल में लग जाए बात कड़वा लगे, वही फ्रेंड रियल फ्रेंड होता है। तो गाइस फेक फ्रेंड्स आप लोग बच के रहिएगा हमेशा, मैं आप सभी को यही सजेशन देता हूँ। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि 1000 बुक के बराबर एक फ्रेंड होता है रियल फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड। तो गाइस महापुरुषों के बातों पे चलना चाहिए हमें। और गाइस कैसा लगा ये वीडियो आप ये भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर आप आना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा पे आप मैसेज करके मैसेज दे सकते हैं, मैं लोकेशन सेंड कर दूंगा आप सभी को, तो आप लोग आराम से आ सकते हैं, मैं हेल्प कर सकता हूँ आप सभी को इस जगह को विजिट करने में। तो बम्बू का पेड़ बहुत सारा है गाइस, तो आप बहुत आगे ही हम लोग बाइक रखे थे। तो गाइस हम लोग बहुत ही पास पहुंच चुके हैं, आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं ये जो पिलर जो लगा हुआ है ना, यही है आपका हैंगिंग ब्रिज जो कि रीमा रिवर जो है रीमा नदी उसका ठीक ऊपर में बना हुआ है।
तो ऐसे मेरे वीडियो पे बने रहिए आप लोग। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आप जैसे कि नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख के पूरा सरप्राइज हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप नेक्स्ट क्लिप में मैं आप सभी को दिखाऊंगा। Now fuck that. ऊपर खड़ा हूँ, बहुत ही खतरनाक है। मतलब हम लोग थोड़ा भी चलते हैं, आप जैसे कि देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हिलता है ये, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि चलने से बहुत हिलता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि डरावना टाइप फील होता है, गिर जाऊँगा वैसा। पानी तो फिलहाल तो अभी तो इतना पानी नहीं है, थोड़ा सूखा हुआ है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो पर बने रहिए, मैं आप सभी को दिखाऊँगा, एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस है। तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो यू विल लाइक दिस वीडियो आई होप। तो ओ माय गॉड, बहुत ही खतरनाक हिल रही है, आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं कैसे मोबाइल हिल रहा है। मत हिला कहाँ हिला रहा है। आप लोग गाइस जैसे कि देख सकते हैं पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे बहुत ही खूबसूरत सा ये पहाड़ है, देखिए। तो इसका सीनरी मतलब कि चांद चांद लगा देता है इस ब्रिज का, मतलब कि सीनरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं वहाँ पे आदमी लोग नहा रहे हैं, मच्छी उच्छी पकड़ रहे हैं। आई होप ये आप लोग भी जरूर आइएगा इस ब्रिज पे। देखिए एकदम ये ब्रिज का मेन रोप को मैं टच करके दिखाऊंगा, ये है सबसे मेन रोप, यही है, इसी पे ये ब्रिज हैंग है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोग ज़रूर आइएगा इस ब्रिज पर। यहाँ से मैं नीचे नदी आप सभी को दिखाता हूँ, देखिए पीछे नीचे नदी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, नज़ारा बहुत मस्त है, बहुत खूबसूरत, बादलों के नीचे पहाड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नदी के अंदर ये देखो ना, हटो तो गाइज हम लोग इस साइड से आए थे, हम लोग इस ब्रिज पे आए हैं। तो आगे देखते हैं और क्या क्या है। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, अब मैं लेके जा रहा हूँ आप सभी को दूसरे कोना, जो कि इस ब्रिज का। ये एक्चुअली ना यहाँ पे बाइक या गाड़ी पार नहीं होता है, बस ह्यूमन बींग के लिए बनाया गया है, आदमी लोगों के लिए। बस ये आदमी लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हिल रहा है ये, बस ये आदमी लोगों के लिए बनाया हुआ है ब्रिज। तो मैं दिखाता हूँ कैसा है आगे। ये एक्चुअली विलेज से मिलाता है, दूसरे कोना में मैं दिखा रहा हूँ, पहले कोना में तो हम लोग आ गए हैं, अभी दूसरे कोना की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दूसरे कोना देखते हैं कि कैसा है। तो आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पे मेनली पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ों के बीच ये बना हुआ है। तो आप लोग जैसे कि ये देख सकते हैं, ये देखिए पिलर कैसा है, ये इस पिलर पे ये टिका हुआ है। आप लोग जो पिलर देख रहे हैं, ये ऊपर जो देख रहे हैं रस्सी, उसी से ये ब्रिज पूरा नीचे गया हुआ है। ये भी है। हाँ, ये पूरा नीचे गया हुआ है ब्रिज, तो इसी पिलर पर ये टिका हुआ है। ये पिलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये रस्सी नीचे की तरफ जो गया हुआ है लोहा का, वो जो रस्सी, वो उसी पे टिका हुआ है वो नीचे वाला ब्रिज। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। ऊपर आदमी लोगों का घर है, यहाँ पे ऐसा बांधा हुआ है, ये नीचे लगाया हुआ है सपोर्ट, आदमी लोगों का घर है। इसी तरह आप लोग वीडियो पे बने रहिए, फिर मिलते हैं। तो इसी तरह बने रहिए। To move along, push myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. तो गाइस जैसा कि आप लोग वीडियो में सुने ही होंगे, बहुत ही यहाँ पे साउंड होता है ढक 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 करके। एक्चुअली हैंगिंग ब्रिज है ना, तो मतलब कि हम लोग चलते हैं तो ये हिलते रहता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि साउंड आता है और बहुत ही ज़्यादा हिलता है। तो कमज़ोर दिल वाले यहाँ पे बिल्कुल भी मत आए, क्योंकि यहाँ पे आने से मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना टाइप का फील होगा। और ऐसे तो मतलब कि ना शील्ड
चिल आउट करने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है ये, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई हैव सजेस्ट यू। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड प्लेस था आई थिंक, नॉट श्योर, बट यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो ऐसा लोहा का ये जो रस्सी है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे भी दो है, तो इस दो जो मेन रस्सी है उस पीछे जो आप देख रहे हैं वो पिलर, उसी से ये कनेक्टेड है, उस पिलर से जो कनेक्टेड है ये दो रस्सी के सहारे ये ब्रिज टिका हुआ है, तो यहाँ के ओल्ड टाउन विलेज और यहाँ के बहुत ही सारा ओल्ड चंपू विलेज ये सब से कनेक्ट करता है ये ब्रिज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिज इसे माना जाता है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है ये, जी हाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। तो मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ये इस ब्रिज पर आया हूँ और अपना एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ओल्ड टाउन विलेज भी ज़रूर घूमिएगा, बहुत ही खूबसूरत विलेज है। और इतना ही, मैं वीडियो इतना तक ही रखता हूँ, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे थोड़ा सा मतलब कि एक सहानुभूति मिलती है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, मैं आगे और भी ऐसा अच्छा अच्छा प्लेस अरुणाचल का एक्सप्लोर करके आप सभी तक पहुँचाना में मतलब कि अपना योगदान दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय।